everyone. Welcome back to the online classes of Kerala Boys School. I am Pragya Anand, your maths teacher. आज हम क्लास टू का एक्सरसाइज एट जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया हुआ था एक्सरसाइज एट और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 सबको सॉल्व करने के लिए होमवर्क मिला था तो सब लोग होमवर्क कर लिए होंगे. आई होप सब लोगों ने होमवर्क किया होगा. तो आज फिर से चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं फिर से एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने जा रही हूँ. सब लोग अपनी बुक की चैप्टर या एक्सरसाइज 8 वो निकाल के बैठे और अपनी कॉपी में आज की डेट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जरूर मेंशन करें. ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. नंबर्स और वो नंबर्स या हमने नंबर नेम्स लिखे हुए उसको समझ के हम लोगों को ऐड करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, 7 है, 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4. ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं और वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं तो 8 7 कितना होता है, 15. ठीक है, फिर प्लस फिर दूसरे 2 से डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 3 और 4 इक्वल्स टू 7. तो 15 प्लस 7 को ऐड करने पे हमारा आंसर आता है 22. ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टली ऐड हो गया. अगर इसको हम लोग वर्टिकली ऐड करें लाइक 7 8 3 4 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 ही आएगा. तो आप इस तरह के ऐड को आप लोग वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आपको इजी लगे आप लोग कर सकते हैं. उसी तरह बी सी डी भी नंबर नेम समझ के हम लोगों को ऐड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों ने समझ लिया है. नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं. सॉल्व कर लिया है और आगे जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के वो सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 हमारा फिनिश हो गया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सब लोग होमवर्क कर लेंगे. अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9 पे. तो 9 में भी ऐड ही है, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दे रही हूँ ताकि सॉल्व करने में कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस 1, 10, 100, 1000. ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं. तो बिल्कुल सिंपली ऐड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 2 8 5 3 8 8 1 9 4 2 6 तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 नंबर. One, two, three, four, five, six, four.
3, 2, 1, 0 ठीक है, फिर इसको हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9 4, 3, 7, 7, 0, 7, 6, 2, 8, 1, 9, 5, 1, 6, 2, 8 तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना हम लोगों ने सीख लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0, 0 इसको भी हम लोग ऐड करेंगे 2, 1, 3, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, फिर 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही होगा। नेक्स्ट 2, 2, 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 होगा, फिर 9 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 9 होगा। नेक्स्ट 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 8 नेक्स्ट 2, 1, 3, 3, 3, 6, 1, 7 ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज 9 भी हम लोगों ने सॉल्व करना समझ लिया कैसे सॉल्व करना है। तो आगे भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। दिया गया डिजिट क्या है हॉरिजॉन्टली, उसको वर्टिकली फॉर्म में ले आकर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2, 3, 1, 4 + 4, 5, 6, 3 इसको हम लोग इस तरह हॉरिजॉन्टली भी तो है ही, अगर वर्टिकली भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 4, 3, 7, 6, 1, 7, 5, 3, 8, 4, 2, 6 तो हम लोग इस तरह इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों को समझ के लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 6 में है नंबर नेम दिया गया, उसको समझ के हम लोगों को ऐड करना है ठीक है। तो सबसे पहला 6 नंबर का ए है 1,324 ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2,212 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,111 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से। हमेशा वर्ड इसको नंबर नेम पढ़ के हम लोगों को इस तरह लिखना है ठीक है, और फिर लिख के सॉल्व करना है। तो 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 3, 3, 6 ठीक है। तो चैप्टर 9 भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चैप्टर 10 में सिंपली सब्ट्रैक्शन है तो वो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का होमवर्क सब लोग ध्यान से मेंशन करेंगे, प्लीज मेंशन योर होमवर्क। सब लोग अपनी कॉपी में आज का होमवर्क मेंशन करेंगे और समझेंगे। आज का होमवर्क है टू कंप्लीट एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट होमवर्क है एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 जो मैंने अभी आप लोगों को
टोटल समझाया है एग्जाम्पल के साथ, तो सब लोग उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं और सब लोग इजिली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।